आठवें चरण में रामगढ़ प्रखंड में हुए मतदान का परिणाम हुआ घोषित। देर शाम तक होती रही वोटों की गिनती। कैमूर न्यूज के सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर पल पल की मिलती रही मतगणना की अपडेट। महुआ शहर में रेंचे के आतंक से किन्नरों की बड़ी परेशानी। मारपीट के साथ छिनौती की घटना को दे रहे हैं अंजाम। चरसियों और गंजेरियों के आतंक से तंग आकर थाने में किन्नरों ने मुकदमा दर्ज लगाई न्याय की गुहार। मोनिया समेकित चेक पोस्ट पर तैनात रहकर हजारों लीटर शराब पकड़वाने वाले देवव्रत कुमार की कार्य कौशलता पर पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया सम्मानित। राज्य में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकार कर रही हर संभव कोशिश। भगवानपुर प्रखंड के मोहनपुर गांव के एक शराब धंधेबाज के घर से छापेमारी के दौरान 40 लीटर देसी शराब हुआ बरामद। जानकारी देते हुए प्रशिक्षु डीएसपी मोहम्मद मुर्शिद आलम ने बताया, गुप्त सूचना मिलने पर की गई छापेमारी, शराब बरामद लेकिन धंधेबाज फरार। संविधान दिवस के मौके पर भभुआ कलेक्ट्रेट से पूरे शहर में नशा मुक्ति अभियान को लेकर निकाला गया मार्च। नशा मुक्ति अभियान में निकाले गए मार्च में जिले के कई पुलिस पदाधिकारी एवं विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राओं ने लिया भाग। भगवानपुर प्रखंड के बैरापुर गांव में जल जीवन हरियाली के तहत किसानों के बीच बायोचार उत्पादन तकनीकी का दिया गया प्रशिक्षण। जलवायु के अनुरूप फसल पैटर्न और आधुनिक तकनीक एवं उर्वरक के बारे में पहाड़ी क्षेत्र के किसानों को दी गई जानकारी। अधौरा प्रखंड में प्रत्याशियों द्वारा चुनाव का आज रहेगा अंतिम दिन। आज शाम से थम जाएगा चुनाव का प्रचार प्रसार। अधौरा प्रखंड में नौवें चरण अंतर्गत 29 नवंबर को होना है पंचायती चुनाव। 1 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। मोनियासर के वार्ड नंबर 11 के घर में आग लगने से घर का सारा सामान जलकर हुआ राख। परिजनों ने लगाई प्रशासन से मुआवजे की गुहार। मोनिया के वार्ड 11 के निवासी नूरुल होदा अंसारी के घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा माले कार्यकर्ता अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर भभुआ में पैदल मार्च करते हुए किया धरना प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जब तक किसानों की मांग पूर्णतः नहीं मानी जाएगी तब तक जारी रहेगा धरना प्रदर्शन। कैमूर जिले के सभी प्रखंडों में खाद की हो रही भारी किल्लत के मामले में दुर्गाती प्रखंड मुख्यालय पर रामगढ़ विधानसभा के विधायक ने आयोजित किया बैठक। जिले में भ्रष्ट नेता अधिकारी और खाद डीलरों की वजह से किसानों को नहीं मिल रही डीएपी खाद, ब्लैक मार्केट से खरीदने को है मजबूर।